नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों देखिए, ये दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है और आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार कहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे बिहार में ही स्थित है ये। और ये यहाँ पर हम कहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर देखिए, नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रिक्रूटमेंट में आप क्लिक कीजिएगा। रिक्रूटमेंट में जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट फॉर द टीचिंग पोजीशन, एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे शार्ट में। इस शार्ट को खोलेंगे आप, जो है यहाँ पर देखिएगा ढेर सारे पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पर प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के सारा वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए इसको जो है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार रिक्रूटमेंट नोटिस टीचिंग पोजीशन, ये 8 मार्च को निकला हुआ है। एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस प्रोग्राम ऑन रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट और री एम्प्लॉयमेंट बेसिस। यहाँ पर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट आप इसमें देख सकते हैं, बोल रहा है ये ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन जो है 12 मार्च 2019 से है, कल से है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 8 अप्रैल 2019 है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रिंट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 12 अप्रैल 2019 है। साथियों ये गया में स्थित है और इसको जो है प्रिंट कॉपी जो है जिनको भेजा जाना है, ये एड्रेस दिया हुआ है गया का एड्रेस, जिसमें आप भेज सकते हैं। साथियों इसके बाद में फैकल्टी पोजीशन देख लीजिए, यहाँ पर फैकल्टी पोजीशन देखते हैं तो आपको जो है ये डाउनलोड हो गया, देखिए ये जो है निकल गया। नेम ऑफ द पोस्ट, क्या क्या पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए प्रोफेसर का पोस्ट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस, यहाँ पर पूरा पोस्ट निकला हुआ है, इन्वायरमेंटल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स स्टडी, यहाँ पर पॉलिटिकल स्टडी, सोशियोलॉजिकल स्टडी, इसके अलावा आपका हिस्टोरिकल स्टडी, इसके डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, यहाँ पर स्कूल ऑफ मीडिया आर्ट एंड ये जो है मास एंड कम्युनिकेशन से संबंधित है, लॉ एंड गवर्नेंस से संबंधित है, मैनेजमेंट का भी पोस्ट, कॉमर्स और मैनेजमेंट का पोस्ट निकला हुआ है, हेल्थ साइंस, एजुकेशन से संबंधित पोस्ट निकला हुआ है। ये सारा पोस्ट आप देखेंगे कि प्रोफेसर के लिए कितना पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितना पोस्ट है, ये अनरिजर्व OBC, SC, ST या और किसी पोस्ट के लिए आप देखते जाएंगे, तो इसको पूरा अवलोकन कर लेना है आपको जो है, और उसके बाद में यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। हालांकि इसमें आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में जैसे यहाँ पर एक पोस्ट है, लेकिन ये SC के लिए है। यहाँ पर लॉ में देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पर जो है अनरिजर्व के लिए 1 सीट है और 1 सीट जो है रिजर्व के लिए है। हालांकि पोस्ट जो है कम दिखाई दे रहा है, एक एक पोस्ट, दो दो पोस्ट है, फिर भी इसमें आपको अप्लाई करेंगे क्योंकि आपको एक पोस्ट चाहिए, ठीक है। इस 7th पे स्केल मिलेगा आपको जो है, इसके लिए क्वालिफिकेशन जो हम आपको बता रहे हैं वो PG में 55% मार्क्स यूज या आपका जो है नेट सेट JRF होना चाहिए, और इसके लिए जो फीस है 2000 रुपया फीस जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपया, और SC ST के लिए जो है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट, SC ST फीमेल कैंडिडेट फी मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड, SBI कलेक्ट ओनली, 1000 रुपया SC ST के लिए है। यहाँ पर जनरल OBC के लिए 2000 रुपया है। तो ये जो वैकेंसी निकला हुआ है, इस वैकेंसी को ठीक से पढ़ लीजिए और उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा एक एक चीज़ दे दिया है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है, आपके लिए ये गोल्डन चांस है कि किसी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे,
और इसका जो एप्लीकेशन सबमिशन ऑनलाइन सबमिशन है 12 मार्च से है, यानी कि कल से चालू हो जाएगा और 8 अप्रैल 2019 तक ये चलेगा। और जो रिसिप्ट आप प्रिंट कॉपी है उसका लास्ट डेट है 12 अप्रैल 2019। तो इस तरह से आपको जो है ये सूचना हम आपको दे रहे हैं, इसको अच्छे से भर लीजिए और फिर उसके बाद में आप जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर जो है देश की सेवा कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।